अस्सलाम वालेकुम। तो इस कोर्स में आपको C++ स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सिखाऊंगा। ये कोर्स थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन अगर आप ये कोर्स पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप C++ के बादशाह बन जाएंगे। तो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। इसकी मेन वजह थी कि जो सी लैंग्वेज थी वो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी। चलो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। Hash include iostream. Hash include iostream basically input output stream होती है जो कि आपके प्रोग्राम को अलाउ करती है कि वो कीबोर्ड से इनपुट ले और स्क्रीन पर शो करे। यूजिंग स्पेस एसटीडी, ये C++ की एक लाइब्रेरी है। फिर हम करते हैं अपना मेन फंक्शन स्टार्ट। इन मेन C++ के कोड में एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन लाजमी होगा जिसका नाम मेन होगा। जो कोड होगा हमारा, जो भी कंपाइलर कंपाइल करेगा कोड को, वो सबसे पहले मेन फंक्शन में आएगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं cout, हेलो वर्ड लिखते हैं पहले, हेलो वर्ड। जो भी हम डबल क्वोटेशन में लिखेंगे स्ट्रिंग में, जो भी डबल क्वोटेशन में सी आउट के बाद लिख देंगे, वो हमें हमारी जो स्क्रीन पे एज इट इज शो हो जाएगा। तो ये हम विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो हम लिखेंगे सिस्टम पास, ये सिर्फ विजुअल स्टूडियो को लिखते हैं, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं। शो करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ड हमारी स्क्रीन पे आ गया है। तो ओके, तो यार अब बात कर लेते हैं कमेंट की। अगर हम कोई चीज़ कमेंट करना चाहते हैं ताकि दूसरे लोग, आने वाले जो कोड रहे हैं, हमारे कोड को समझ सकें, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद जो भी लिखेंगे वो कमेंट होगा। लाइक लेता हूँ मेन फंक्शन, ये मैंने मेन फंक्शन लिखा है, इसको कंपाइलर कोड की फॉर्म में जनरेट नहीं करेगा, ये कमेंट होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यार हमारा जो कमेंट है मल्टीपल लाइन पे हो, मेन फंक्शन जैसे लिखते हैं नीचे सी आउट वैसे लिख देते हैं, ये भी शो ना करे वैसे लिख देते हैं, तो इसके लिए करना पड़ेगा हम फॉरवर्ड स्लैश कहेंगे, फिर लगाएंगे स्टैटिक, और जहाँ तक ये कमेंट करना है वहाँ पर जाके स्टैटिक लगाएंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश एंड देन कमेंट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं यार, हम चाहते हैं कि हमारे जो आउटपुट है वो मल्टीपल लाइंस में आए, तो कैसे आएगा अगर हम ऐसे लिखते हैं, लाइक कोडिंग में फन लिखा हुआ है सी आउट हेलो वर्ड। ये लिखा तो हमने दो लाइंस में है, एक में कोडिंग इज फन और दूसरी में हेलो वर्ड, तो प्रिंट करा के देख लेते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कोडिंग इज फन हेलो वर्ड सेम ही लाइन पे है, तो इसके लिए हमें को क्या करना पड़ेगा, इनको लगाना पड़ेगा बैक स्लैश और फिर एन। अगर बैक स्लैश एन नहीं तो एंडल भी कर सकते हैं आप, बेटर फिर एंडल। कोडिंग इज फन पहले लाइन पे, दूसरे पे हेलो वर्ड, ओके। लेकिन हम एंडल की बजाय अगर वो लिखते हैं बैक स्लैश एन, ये एंडल से ज़्यादा फास्ट है, तो यही कोशिश करें कि बैक स्लैश एन ही लिखा करें। ओके, तो इसको भी हेलो वर्ड इसके आगे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ड, इसके बाद बैक स्लैश, तो अब भी ये दोनों में लिखा जाएगा। फर्स्ट लाइन पे कोडिंग इज फन, नीचे हेलो वर्ड। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं डाटा टाइप्स के बारे में। तो C++ से मुख्य किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, लाइक इंट। तो बात करते हैं पहले कर लेते हैं इंट के बारे में, इंट क्यों यूज होता है। तो अगर मान लिया हम होल नंबर चाहिए
कोई भी वैल्यू लिखनी हो तो हम इंटीजर में लिखेंगे, इंट में, लाइक लिख लेते हैं इंट, जो भी ये लिखेगा डेटा टाइप, और जो भी हम वेरिएबल के नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, मतलब मैं देता हूँ लाइक मैथ कर लेता हूँ, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक और बताते हैं इंट इंग्लिश कर रहे हैं। अब हम दोनों को नंबर देना चाहते हैं, मैथ इज इक्वल टू यू कैन मार्क 75 मान तो इंग्लिश आ गया, लेकिन जो वेरिएबल ऊपर लिखा होगा वही सेम एज इट इज नीचे लिखना होगा, वही स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 85 ओके, तो अब हम इसे आउटपुट कैसे दिखाएं, सी आउट लिखेंगे ओके, या लिखेंगे डबल क्वेश्चन में लिख देंगे मैथ मार्क्स, डबल क्वेश्चन में जो चीज लिखी वो पहले बताया कि एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ मार्क्स के बाद मैथ के मार्क्स शो कर देगा, फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं बैकस्लैश एन ताकि वो अगली लाइन पे चला जाए, फिर हम लिखते हैं इंग्लिश मार्क्स, डबल लगाया हुआ है मोबाइल एकल डालते हैं, बैक से चैनल लगाया तो वो जो आज ना प्रेस एनी की वो नीचे है। ओके, ये कोडिंग इस फन को हम कर देते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट कर दिया गया ताकि ये स्क्रीन पे शो ना हो, देखते हैं देख सकते हैं मैथ मार्क्स 75 इंग्लिश मार्क्स 85 ओके। तो अगर हमारे पास वैल्यू ये इंट कितने में लेता है बाइट्स, ये आपको इस टाइम समझने की जरूरत नहीं है ना, आप इस पर खा पाओ जितने लेते लेते रहते कंपाइलर को लेने दो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो हमारी सी जी पी है वो पॉइंट्स में होती है तो वो किस तरह लिखेंगे, लाइक हम इधर लिखते हैं इन सी जी, जो सी जी पी है ठीक है सी जी को देखना जो मर्जी लिखो यार, वेरिएबल का नाम जो आपका दिल करता है वो लिखो इंट के बाद, सी जी के लिए हमने लिख दिया मान लो 3.25 है ओके, इसको हम इंक्रीमेंट करते हैं ताकि ये ना शो हो, सी आउट तो जो इंट होता है वो लेता है हमारे होल नंबर, लेकिन 3.25 है लेकिन होल नंबर में 3.25 नहीं होगा, लेकिन अकेला वो 3 ही लेगा 0.25 नहीं आएगा, आप देख सकते हैं 0.25 नहीं आया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा डेटा टाइप लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए डेटा टाइप हम क्लियर करते हैं फ्लोट, ओके। तो अब हम बात करते हैं डेटा वो लॉन्ग डबल, तो ये लॉन्ग था एंड में जो वैल्यू इंट से बड़ी वैल्यू होती है वो हम लॉन्ग में लिखते हैं, मतलब जो वैल्यू इंट में नहीं आ सकती तो हम लॉन्ग में लिखते हैं, इस तरह जो फ्लोर से बड़ा होता है वो डबल होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं करेक्टर के बारे में, अगर हमने कोई करेक्टर लिखना है ये इंटीजर्स के अलावा तो हम कैसे लिखेंगे, सी एच ए आर ये डेटा टाइप है, उसके बाद जो मर्जी लिख लें वेरिएबल का नाम वो आप पे ये सी एच लिख लीजिए, हम सी एच में रख देते हैं ए ओके, रिपीटमेंट कर लेते हैं ये ओस ए स्क्रीन पे शो कर देगा ओके। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बड़ा लिखें, मतलब एक नाम लिखे जैसे कोडिंग इज फन है तो लिखें, तो ये करैक्टर में नहीं लिखा जाएगा, करैक्टर सिर्फ एक ही लेगा,
ए बी सी एक ही करेक्टर लेगा, ये ज्यादा करेक्टर नहीं लेगा, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग में लिखने के लिए पहले हमें स्ट्रिंग क्लियर करनी पड़ेगी ऊपर, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ओके। अब नीचे आते हैं, इसको फिर कमेंट करते हैं स्ट्रिंग एसटी लिख देते हैं। ये डबल क्वेश्चन में लिखेंगे स्ट्रिंग हमेशा, कोडिंग इज फन, ओके। यहां पे सी आउट कर देंगे स्ट्रिंग को, ये तो मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बता दिया डेटा क्या होते हैं। तो अब बताता हूं कि डेटा को हम रीअसाइन भी कर सकते हैं, लाइक हमने सीडी लिखी थी 3.25, लेकिन हम रीअसाइन भी कर सकते हैं, लाइक ये वही लिखेंगे सीजी इज इक्वल टू 3.72, ओके। ये इधर है तो हम पॉइंट डालेंगे ताकि ये चीज शो हो, जो कमेंट में लिखा था वो शो नहीं होता। तो मान रहे अब ये 3.72 शो करेगा, यस। गुड फंक्शन प्रैक्टिस के लिए ये करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के लिए कि आप जहां पर ये कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसके साथ ही वैल्यू लिखें, लाइक मैंने इधर लिखा हुआ 3.72, अगर मैं इधर लिखता हूँ 3.72 ये बेस्ट रहेगा बजाय इसके, ये ट्राई करें कि उधर ही लिखें 3.72 हो जाएगा। और हमें देख एक से ज्यादा हमने वेरिएबल बनाए हुए एक डेटा टाइप के, तो उसके लिए हम बजाय इस तरह लिखने के इंट मैथ इंट इंग्लिश इस तरह लिखने बजाय इस तरह लिखें, तो हम इस तरह लिखेंगे कि जो इंट इंग्लिश है वो उसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे कोमा डालेंगे और फिर इंग्लिश लिख देंगे। इसको हम कमेंट करते हैं, इसको कमेंट से हटाते हैं ताकि आउटपुट करवा सकें। तो आप देख सकते हैं मैथ मार्क्स भी आ गए, इंग्लिश मार्क्स भी आ गए। तो बजाय एक ही डेटा को बार बार लिखेंगे, एक बार लिखें और कोमा डाल के सेपरेट वेरिएबल लिखते जाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसकी बात कर लेते हैं, रिमाइंडर इसको एक दफा खत्म करते हैं सारे को। लाइक हम देखते हैं नंबर वन और फिर लेते हैं नंबर कोमा डाल के नंबर टू, ओके। नंबर वन में हम वैल्यू लेते हैं 7 और नंबर टू में हम वैल्यू ली 5। हम इधर सी आउट करवाते हैं, नंबर वन प्लस नंबर टू, मैंने प्लस करवाया तो हमें ये 12 शो कर देगा, ओके। अगर हम माइनस करना चाहें तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ये दो नंबरों को माइनस कर देगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे मल्टीप्लाई ये दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड करना चाहे। अब डिवाइड में आता है, अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं 7/5 तो ये पॉइंट्स में वैल्यू नहीं देगा क्योंकि हमारा डेटा इंटीजर है, तो ये करेगा क्या, ये डिवाइड करेगा जो भी पहले पॉइंट से पहले वैल्यू थी वो शो करवा देगा। इसने 1 शो करवा दिया। अगर हम रिमाइंडर लेना चाहते हैं तो ये हम परसेंटेज लिखेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद वो शो हो जाएगा, ओके। लेकिन हम
चाहते हैं कि हम डिवाइड करें वो वैल्यू पॉइंट्स में बताए, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसको फ्लोट करना पड़ेगा, इंटीजर को फ्लोट। फ्लोट हमें डेसिमल में पॉइंट्स में वैल्यू देगा, यहाँ पे हम डिवाइड लिखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो यार खत्म करते हैं यहाँ पे, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।